मनीषा नूं इंसाफ दवाउण लई जिथे पूरे भारत विच रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उत्थे ही पंजाब विच वख-वख शहरां अते कस्बियां विच दलित भाईचारे नाल संबंधित संगठनां ने मनीषा नूं इंसाफ दवाउण लई कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि दित्ती जा रही है। बेसिकली जो अज्ज श्रद्धांजलि भेंट की गई है साडी भैण नूं, जो उत्तर प्रदेश दे विच एक लड़की नाल बदसलूकी नाल उस नाल वादा किया गया, उसका रेप किया गया, उस तो बाद उसनू मौत दे घाट उतारिया गया। पूरे देश भर में इसका बहुत विरोध हो रहा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो इदा दी घिनौनियां हरकतां वार वार यूपी दे विच सुनन नू आ रही, देश भर दे विच सुनन नू आ रही, पर देश की सरकार एक गुंगी अते बैरी हो चुकी है। इन्हां दे कन्नां दे जूं नहीं सरकदी, पर असी नौजवान होने के नाते NSC वालों अज इदा दा प्रदर्शन किया, उस भैन नू श्रद्धांजलि भेंट की है। असी जनता की कचहरी में जाके उन्होंने कालिया करतूतों का पर्दाफाश करते हुए कैंडल मार्च कर रहे हैं। सारे इकट्ठे होकर हल्ला मारीे ताकि इस तो अगे किसी गरीब मजलूम जग जानी के नाल धक्का ना हो। हथियारी सरकार मरदाबाद, मोदी जोगी मरदाबाद, जनता से अत्याचार करने वाली सरकार मरदाबाद। मंग की जा रही है कि जदों तक मनीषा नूं इंसाफ नहीं मिल जाता उदों तक विरोध प्रदर्शन इस तरह जारी रहेंगे। उस लड़ी तहत वाल्मीकि भाईचारे वालों जलालाबाद अते अरनीवाला विखे रोस प्रदर्शन करके उस लई इंसाफ की मंग की गई। दस दईए इस घिनौनी घटना तो बाद समुचे दलित भाईचारे विच रोस पाया जा रहा है कि यूपी की सरकार दलितों की रक्षा करने विच फेल साबित हो रही है। मीडिया नाल गल करदे भाईचारे दे आगुआं ने कहा कि मनीषा दे कातलां नूं फांसी दित्ती जाणी चाहीदी है तां जो अग्गे तो कोई भी अपराधी अजिहा दुष्कर्म ना कर सके। वख-वख दलित जथेबंदियां ने इस गल दी सरकार कोलों मंग कीती आ कि मनीषा वाल्मीकि जिहनूं यूपी दे विच तसीहे दे दे के इन्हां ने मार दित्ता, उहदे असीं इंसाफ दिवाउण वास्ते, उहदे परिवार नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते, उहदे दोषियां नूं फांसी दी सज़ा दिवाउण वास्ते असीं जिहड़ा इह कैंडल मार्च कढ़िया, और असी चाहुंदे आ मोदी सरकार ने जिहड़े इह जुल्मां दी कहानियां शुरू कर दित्तियां, संविधान नूं छक्के ते टंग के इन्हां ने उन्हां नाल बहुत भारी जुर्म कीते आ। सानूं अज इस तरह लगदा वा जिवें मोदी सरकार, जिवें इह मोदी दा बनाया होया मुख्यमंत्री जोगी, अज इहने सारा कुछ संविधान दीआं धज्जियां उड़ा दित्तियां और संविधान दे दायरे दे विच उह कुछ भी कम नहीं कर रहा। ना तो उत्थे पत्रकारां नूं उन्हां दी कवरिंग करन दित्ती जा रही है और ना ही पुलिस किसी लोगों नूं अग्गे जाण दित्ता जा रहा, तो ना ही जिहड़ी उत्थों दी कोई उत्तों जिहड़े उन्होंने परिवार आ उन्होंने पुलिस ने बंदी बना के रख्या होया। मनुष्यमृति इन्हों सिखाउंदी आ कि दलितों से किवें अत्याचार करना, किवें उन्होंने लत्तां तोड़नियां, किवें जिहड़े इंसाफ लोग मंगदे आ उन्होंने जीभां वढ़नियां। और असीं मोदी सरकार नूं कहना चाहुंदे कि इस यूपी के मुख्यमंत्री नूं जिन्ना छेती हो सके जिहड़े इह मठ चों आया उस मठ च इहनूं वापस भेज दे। जे मठ दे लोग भी इहनूं जिहड़ा सहन नहीं करते तो जिहड़ा नवां मंदिर जिहड़ा राम मंदिर अयोध्या बनाई जाणा तो उहदे विच इहनूं सैट कर दे किते। यूपी दे विच जिहड़ी संविधान की स्थिति इन्नी विगड़ गई है, जिहड़ा मेन जिहड़ा उत्थों का सारा कानूनी ढांचा सारा विगड़ गया, जिहदे विच एक अजे तक उस दलित लड़की का सिवा ठंडा नहीं होया। एक होर जिहड़ी बलराम की घटना वापर गई जिथे उत्थे भी इन्हां इस सरकार के दरिंदियां ने उस कुड़ी नाल बलात्कार करके उसकी कमर तोड़ दी, उसकी भी मौत हो गई है। इस करके असीं राष्ट्रपति नूं अपील करते हैं कि उत्थे राष्ट्रपति जिहड़ा राज है वह लागू किया जाए। देश विच वापर दीआं अजिहीआं घटनावां ते रोक लाउण लई सरकारां गंभीर होणगीआं कि नहीं, लोकां दे मनां च इह सवाल गहरा हुंदा जा रहा है। भारत संदेश लई निखिल कुमार की रिपोर्ट।